आपके पेरेंट्स दोनों हयात हैं माशाल्लाह से? नहीं, इस वक्त नहीं, ना सुसर सांस ना ही मदर फादर। तो कोई ऐसे वक्त आता है लाइफ में या कौन सी ऐसी बातें हैं जो वालदैन की आपको स्पेशली याद आती हैं, आज व्यूअर को कुछ बताना चाहें, कोई मौका आ जाता है? जी बिल्कुल, आपने तो दुखती रख पे हाथ रख दिया। बिना वालिद के ज़िंदगी ऐसे गुजार रहा हूँ जैसे कि बंदा धूप में गुजार होता है, धूप में। फादर जो है एक शेडो है हमारे लिए, साया है। बस यार इतना ही कहूँगा कि बाप जैसी हस्ती कोई भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुआज़ अहमद गिलानी और आप देख रहे हैं मीडिया वर्ल्ड 247। जनाब हर हफ्ते की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आए एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम। काफ़ी ज़्यादा मजाहिया प्रोग्राम हो चुके हुए थे, थोड़ी सी हमने सीरियस बात करने की कोशिश की, पॉलिटिकल टॉपिक्स हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं क्योंकि हर तरफ इतना शदीद किस्म का पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है कि सारी दुनिया ही परेशान है। लेकिन मजाक और पॉलिटिक्स के दरमियान में हमने सोचा कि थोड़ा सा तफरी और सीरियस टॉपिक्स को भी साथ साथ लेके चलें। आज हम अपने नाज़रीन से पूछने की ये कोशिश करेंगे कि बहुत टाइम हो गया है, माँ बाप और बच्चों के दरमियान में काफ़ी फासले होने लग गए हैं। किसी ज़माने में हम यूरोप में सुनते होते थे कि लोग जो हैं अपने वालदैन को ओल्ड एज जो होम्स होते थे वहाँ पे जमा करा देते थे, बट आज जब से मोबाइल आया तो मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे वालदैन और मेरे दरमियान भी काफ़ी फासले हो चुके हुए हैं। या आज हम लोगों से ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या माँ बाप की दुआएँ ही काफ़ी होती हैं, जो लोग पीरों फ़कीरों के पीछे चले जाते हैं वो क्या चीज़ें हैं। आज मैं हम लोगों से ये पूछेंगे कि जनाब उनकी ज़िंदगियों में माँ बाप का किरदार कितना है, वो अपने माँ बाप के साथ कितने अटैच हैं, माँ के साथ अटैच हैं, बाप के साथ अटैच हैं, किसके साथ अटैच हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम फरजाना गुल है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अच्छा आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल की जो यूथ है स्पेशली हमारी जो एज है उसमें हम अपने माँ बाप से काफ़ी दूर हो चुके हैं और प्लस हमारे जो आगे से बच्चे हैं वो भी हमसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। किसी ज़माने में यूरोप में सुनते होते थे कि जो है लोग अपने वालदैन को ओल्ड एज हाउसेज में कर दिए, तो मैं समझता हूँ कि आज भी शायद यही हालात हमारे घरों में भी हो रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? इस हवाले से मेरे दो ओपिनियंस हैं। एक तो ये कि जैसे पहले लोग फैमिलीज़ में रहते थे अब वो वैसे नहीं रहते, तो हमें वैसे ही रहना चाहिए। सेकंडली ये बात अभी यहाँ पर हमारे मुस्लिम मुमालिक में और हमें ये गलत है कि हम लोग ओल्ड हाउसेस बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते। यहाँ पर एंड तक अपने पेरेंट्स का, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल किया जाता है। आपके पेरेंट्स दोनों हयात हैं माशाल्लाह से? नहीं, इस वक्त नहीं, ना सुसर सांस ना ही मदर फादर। तो कोई ऐसे वक्त आता है लाइफ में या कौन सी ऐसी बातें हैं जो वालदैन की आपको स्पेशली याद आती हैं, आज व्यूअर को कुछ बताना चाहें, कोई मौका आ जाता है? जी बिल्कुल, आपने तो दुखती रख पे हाथ रख दिया। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है, बल्कि वो अपना एक्सपीरियंस लेकर जब आते हैं तो वो उनको वक्त खामोश कर देता है। तो उनकी खामोशी को समझे और उनकी खिदमत करें, क्योंकि कल को आपने भी स्टेज पर आना है और जो करता है वही बढ़ता है बस। अच्छा लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, कोई एक ऐसी बात थी जो वालिद साहब या वालदा को आप उनकी ज़िंदगी में कहना चाहती थी जो नहीं कह सकें आज कैमरे के थ्रू, हमारे व्यूअर्स को के थ्रू उनको कहना चाहें? पेरेंट्स की बस यही ख्वाहिश होती है कि उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ गपशप की जाए, उनको टाइम दिया जाए। तो बीना डॉटर, अगर मैं लड़की हूँ तो मैं तो शादी करके चली गई हूँ, मेरा मैसेज उन मर्द हजरात के लिए है जो उनके बेटे हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी बीवियों और बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रखें, क्योंकि उनका राइट बनता है। कोई अगर कहता है ना कि ये बहू अगर सास अपनी बहू ना समझे बेटी समझ ले, तो यही बात अगर आप बेटी से कहें, बहू से कहें कि वो अगर इसको अपनी माँ समझ ले, सास ना समझे, तो सारा मामला क्लियर हो जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सोना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सैयद अली सईद। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बस आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वालदैन और बच्चों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन गैप्स होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ओल्ड एज हाउसेस का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो बस इतना कहूँगा कि जिस तरह जब हम छोटे थे ना तो हम अपने पेरेंट्स के ऊपर हर तरह का बोझ डालते थे और वो हमें संभालते थे, अगर हमारी अपने माँ बाप से नहीं भी बनती ना फिर भी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी जगह आ जाएं और उन्हें अपने बच्चे संभालें। मेरे पास इस वक्त मेरी सास भी रहती हैं और मेरी माँ भी रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को हम
पहले प्रेफर करते हैं और बाद में हम अपने बारे में सोचते। वालिद साहब हयात हैं आपके? नहीं, मेरे वालिद साहब फोत हो गए। अच्छा, हमने बड़ा देखा कि स्पेशली मैं भी लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ या एशियन कल्चर है, हम यूजुअली अपने वालदैन में स्पेशल वालिद साहब से बहुत डरते होते हैं। तो आज आपके वालिद साहब आपके हमारे साथ नहीं मौजूद, कुछ ऐसी बात जो आज याद आती हो उनकी या कुछ कहना चाहते हो स्पेशल अपने वालिद साहब के लिए? बस यार इतना ही कहूँगा कि बाप जैसी हस्ती कोई भी नहीं होती। अभी हमारे एक बड़े प्यारे से दोस्त मिले, वो कहते हैं मुझे अपने वाले साहब की जो है ना वो मार बहुत ज़्यादा आती है, अब उस टाइम वो मारते थे बड़ा बुरा लगता। कभी नहीं मारा। चलें सर, हम कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में नसीब रखे। मेरा बाप बहुत अजीम था, मुझसे कोई गलती हो गई हो वो मुझे माफ़ कर दें बस। बहुत अच्छा लगे सर आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है प्यारे भाई आपका? मेरा नाम हुनैन हैदर। हुनैन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा हुनैन भाई, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल हम यूथ जो है अपने वालदैन से काफ़ी ज़्यादा दूर होती जाए। सबसे पहले तो मैं माजर के साथ आपसे पूछना चाहूँगा कि वालदैन दोनों हयात हैं आपके या नहीं? फादर की डेथ हो गई है, माँ मेरी माशाल्लाह हयात हैं। अच्छा, तो अम्मी के साथ अटैचमेंट है, उनको टाइम देते हैं? बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। अच्छा, दुआएं को सदका जी रहा हूँ मैं इस टाइम ज़िंदगी में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो वालिद साहब आज आपके दुनिया में नहीं है, उनकी याद आती है, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहो कि क्या बिना वालिद की ज़िंदगी गुजारना कैसे, जिनके वालिद हयात हैं उनके लिए कोई यंग जो दोस्त हैं उनको कुछ कहना चाहो? बिना वालिद की ज़िंदगी ऐसे गुजार रहा हूँ जैसे कि बंदा धूप में गुजार होता है, धूप में। फादर जो है एक शेडो है हमारे लिए, साया है। अबू की कोई ऐसी बात जो याद आती हो बहुत ज़्यादा आपको, वो कैमरे पे अपने दोस्तों को कुछ बताना चाहो या वालिद साहब से कुछ कहना चाहो जो आज तक ना कह सके हो? बाबा की मुझे जो बात आती है ना याद, वो डांट है, आज तक जो डांट करते हैं ना अभी तक याद आती है। उस जैसे ही बस जो फीलिंग है ना, अब घर जाते हैं तो ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी फीलिंग ऐसी नहीं आती। तो वालिद साहब को कोई मैसेज दे दो, आई लव यू बोल दो कि मैं आपको याद करता हूँ। ऑलवेज फादर माई रिमेंबर, वे डोंट फॉरगेट, वे ऑलवेज रिमेंबर। बाबा की याद उसे किया जाता है जो कभी भूला जाए, कभी भूला ही नहीं हूँ। चले हम दुआ करेंगे, उनकी आखिरी निशानी हूँ मैं, अगर इस दुनिया में जी रहा हूँ तो उनकी निशानी हूँ। बस अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सोने अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नाम है आपका? जी हाँ, मेरा बुखारी पामिर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ठीक है। हाँ जी। अच्छा मैम, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल की जो यूथ है वो बहुत सारी माँ बाप से काफ़ी दूर हो गई है, प्लस हमारे जो वालदैन चले भी गए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें थी, हम भी उनसे काफ़ी दूर थे। शायद वो वक्त ऐसा था कि आजकल का फास्ट दौर नहीं था, जैसे आज माँ बाप अपने बच्चों के साथ मोहब्बत जिता लेते हैं, शायद हमारे माँ बाप नहीं करते थे। सबसे पहले तो मुझे बताना चाहेंगी कि आपके वालदैन हयात हैं या नहीं? जी नहीं, सॉरी, वालदैन मेरे दोनों फोत हो चुके हैं, पहले वालदा फोत हुई है, फिर वालिद साहब फोत हुए हैं। उनकी कमी तो अभी भी हमें यानी कि होती है, याद आती है, कमी उनकी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और जब माँ बाप हैं तो औलाद भी खुश रहती है, हैप्पी रहती है, उसके सारे काम दुआओं के साथ हो जाते हैं। तो माँ बाप को तो फोत भी हो जाए तो आप मिस करते रहते हो, इनको याद करते रहते हो। कोई ऐसी बात याद आती हो अम्मी की स्पेशल, कोई खाना याद आता हो? औरतों को हमेशा जो है ना बात बात पर जो खानों के मैटर्स होते हैं ना उस पर अम्मी की स्पेशल याद आती हो, तो अम्मी को कुछ कहना चाहें? जी मेरी वालदा माशाल्लाह खाना पीना तो उनका बहुत अच्छा था, बच्चों के साथ हम 8 बहन भाई हैं, तो उनके लिए खाना पीना वालदा के हाथ का खाए बगैर कोई भी नहीं रहता था। जब काम से आना बच्चों ने बहन भाइयों ने भी या स्कूल से आना, तो जब उनके हाथ का खाना खाते थे तो पेट फुल हो जाता, कोई और चीज़ खाने को दिल नहीं चाहता था। तो हालाँकि वहाँ पर उस दौर में तो कोई महंगाई भी नहीं थी इतनी, और आजकल तो महंगाई इतनी है, तो इसलिए लोग जो है वो माँ बाप का खाना पीना छोड़ के फिर भी बाहर के बर्गर शॉर्मे वगैरह खा रहे हैं। तो अगर माँ के हाथ के खाते होते तो आज तक यानी कि परेशानियाँ इतना होती बीमारियाँ। अभी अभी मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त ने भी कहा कि मुझे वालिद साहब की जो है ना वो डांट बहुत ज़्यादा आती है, मार बहुत ज़्यादा आती है, तो आप कुछ अपने वालिद साहब के बारे में कहना चाहें? वालिद साहब हमारे माशाल्लाह शुरू में बचपन में तो हमने माँ बाप की डांट खाई हुई बहुत, वालिद साहब बहुत सख्त थे हमारे, लेकिन वो हमेशा ये बताते थे कि बेटा जो मैंने आज सख्ती की है ना वो कल आप लोगों को बड़े काम आएगी। तो उनके असूल बनाए हुए बहुत थे, असूलों पे हमने चलना शुरू किया है, उनके सीखे हुए काम जो उन्होंने बताए हमें उस पर अमल करना सीखा, तो हमें बहुत कुछ सहूलतें हुई, बहुत तरक्की मिली हमें। तो वालिद साहब तो माशाल्लाह याद आते हैं, उनकी डांट भी याद आती है, उनका प्यार भी याद आता है। कोई आजकल की जो यूथ है उनको कुछ बताना चाहें, बच्चों को स्पेशली माँ बाप के हवाले से? बच्चे टाइम नहीं देते, पबजी में लगे रहते हैं, गेम्स में लगे रहते हैं, कुछ कहना चाहें बच्चों को?
नहीं वैसे तो मोबाइल जब से आए हैं सच्ची में बच्चे हमारे भी नहीं सुनते हमारी बात। बच्चे हमारे रह ही नहीं गए लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर माँ बाप अगर दिल से कह रहे हैं बच्चों को इस वक्त टाइम दे तो बच्चे भी टाइम देते हैं। बच्चों की वैसे मोबाइल की वजह से थोड़ा जो ना टाइम टेबल ख़राब है, बड़ों की इज्जत नहीं करे बच्चे जो हैं, वो वालदन की बात नहीं मानते, बाहर दुनिया जो नहीं बसाई हुई उन लोगों ने, तो ये गलत है। बच्चों को चाहिए माँ बाप की खिदमत करे और मोबाइल को छोड़ के उनके घर के काम भी संभाले। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सोना चाहिए, अल्लाह हाफिज़। आज हमने लोगों से लिबर्टी मार्केट में ये पूछने की कोशिश की कि वो अपने माँ बाप के साथ कितने अटैच हैं या दूर हैं। इसके अलावा हमने ये भी लोगों से पूछने की कोशिश की कि जनाब आज वो जिस मकाम पे हैं उसमें उनके माँ बाप का कितना किरदार है। बहुत अच्छे पॉजिटिव व्यूज़ हमें मिले, बहुत सारे नेगेटिव व्यूज़ मिले। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इस प्रोग्राम के बारे में जो भी कमियाँ या कोताहियाँ हैं आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। आपके कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत मानी रखते हैं। मेरा नाम है मौज़ अहमद गिलानी। जो दोस्त अब आप आज हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया वर्ल्ड 247 को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि ये वाले रोड शोज़ आप तक आ सकें। मेरे साथ हैं निहाल फैसल कैमरामैन। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।